मेजर जो तो चीजें हम लोग लर्न कर रहे होंगे उससे सबसे पहले हम लोग बेसिकली आप लोग हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है फॉर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स राइट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ठीक है ना इक्विटी और फिक्स इनकम जो है वो दो मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस कह लें ठीक है ना तो फिक्स इनकम बेसिकली एफ आई मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर फिक्स इनकम ये फिक्स इनकम जो एसेट्स हैं ये बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो कि uh, जो कि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्री डिटर्म अमाउंट ऑफ इनकम आपको जनरेट करके देते हैं ठीक है ना इसके अंदर बेसिकली वो आता है जिस तरह के बॉन्ड्स हो गए नोट्स हो गए बिल्स हो गए राइट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिडी जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स राइट तो ये वो वो ये उ, 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 उस कैटेगरी का ज़्यादा फिक्स इनकम राइट फिक्स इनकम मीनिंग यानी कि जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो ये uh, ये एसेट्स जनरेट करते हैं फॉर एनी ओवर देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन उसके अंदर वो कैश फ्लो नोन होता है ठीक है ना दिस दिस इज वन ऑफ द फीचर्स हम लोग बाद में डिटेल में और भी जाएंगे लेकिन इट्स गुड फॉर यू टू मैं अभी आप लोगों को एक सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फिक्सड इनकम और फिक्स इनकम एसेट्स फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट फिक्स इनकम एसेट्स क्या होते हैं ठीक है ना तो फिक्स्ड इनकम राइट जिस तरह एज एज द द टर्म गो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनकी इनकम है वो फिक्स होती है ठीक है ना और आ, मतलब वो आपको मिलनी ही है ना तो यानी टू फर्दर क्लियर टू फर्दर लैबोरेट ऑन देट लेट से मैंने आपसे लेट्स uh, आप, मैंने आपसे लोन uh, लिया ठीक है ना अब वो लोन अमाउंट जो है उसके अंदर लोन अमाउंट के अंदर हमारा जो uh, उसके अंदर दो चीजें होंगी ठीक है ना वही होगा कि एवरी से लेटरी थ्री एवरी क्वार्टर या सेमी एनअली या एनअली वट एवर यू एन आई वी एग्री ऑन उस उस टाइम पीरियड के बाद मुझे आपको एक सर्टन अमाउंट पेमेंट करनी होगी लेट से वी एग्री ऑन लेट से मैंने आपसे थाउजेंड डॉलर लिए फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर ठीक है ना हमने एग्री किया कि Uh, every six months, uh, क्योंकि मैंने आपसे बौरव किया है तो ऑफकोर्स आई ओनली पेइंग यू समथिंग, राइट आपको मैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूंगा तो फिक्स्ड इनकम ऐसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं uh, मैं आपको लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको एवरी सिक्स मंथ्स पांच परसेंट दे रहा हूँ यानी कि फिफ्टी डॉलर ठीक है ना तो आपको यू आर यू लीगली हैव द राइट राइट यू हैव द राइट टू

मेजर फीचर होता है वो ये होता है कि मुझे आपको एट द एंड ऑफ द द द द लाइफ ऑफ 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 अपॉन पीरियड मुझे आपको आप प्रिंसिपल भी रिपीट र, 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 रिटर्न करना है तो मैंने अगर आपसे हजार डॉलर ऑर्डर किए थे तो मैं आपको हर छह महीने के बाद फिफ्टी डॉलर तो इंटरेस्ट दे रहा हूँ ठीक है ना और लेकिन एट द एंड ऑफ द ऑफ द लोन पीरियड या लोन टर्म मुझे आपको वो हजार डॉलर भी वापस करने हैं ठीक है ना तो ये दो फीचर्स होते हैं फिक्स इनकम एक्सेस फिक्स इन इंस्ट्रोमेंट्स के ऊपर फिर हम आ जाते हैं एक्विटी बेस्ड एसेट्स राइट या इंस्ट्रूमेंट्स तो वो एग्जाम जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो स्टॉक्स की होती है राइट एक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उसके अंदर और भी हम फीचर्स देखेंगे बाद में जब एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम जाएंगे विच इज बेसिकली टॉपिक एरिया एन सी एफ एवल वन एज लेवल टू तो वी विल डिस्कस इट मोर डिटेल लेकिन अभी मैं आप लोग एक बहुत ब्रॉड सी ब्रॉड सोवरव्यू दे रहा हूँ दोनों फिक्स uh, इनकम का और

एवरी वॉट एवर द अग्रीड अबॉन्ट पीरियड इज राइट लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के न ऐसा नहीं होता इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो ओनर्स कंसिडर किए जाते हैं राइट right? अगर मैं अगर मैंने शेयर खरीदा है वो शेयर क्या होता है शेयर शेयर जो है बेसिकली एक कंपनी के अंदर ओनरशिप का क्लेम होता है राइट लेथ से एक कंपनी है उसके उसके हंड्रेड मिलियन डॉलर की उसकी वर्थ है और उसके उसके हंड्रेड शेयर्स हैं तो इसका मतलब है हर शेयर जो है वो वन मिलियन डॉलर का उसकी वर्थ है ठीक है ना तो अब ये इसके उसके अंदर डिटेल टेक्निकलिटी होती है उसके अंदर भी नहीं जाएंगे वो बाद में जाके देखेंगे लेकिन दैट्स वॉट बेसिकली गोइंग ऑन राइट आप बेसिकली मैं ओनर बन गया लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक बात याद रखें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर द कंपनी राइट इसके सिचुएशन में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मैंने कंपनी में पैसा डाला है ना तो, तो मैं कंपनी का ओनर बन गया हूँ पार्शल ओनर तो उस केस में कंपनी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे मी ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी नी और बाय द वे एक बार आप लोग याद कि फिक्स इनकम फिक्स इनकम एसेट्स इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो हमें पेमेंट मिलती है वो कहते हैं वो इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है इंटरेस्ट कूपॉन्स भी कहते हैं बॉन्ड्स के ऊपर जो है आप कूपॉन्स रिसीव करते हैं राइट इंटरेस्ट से कूपॉन्स और एक्विटी के अंदर एक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर यू रिसीव वॉट कॉल्ड डिविडेंड्स राइट और प्रॉफिट्स ओके okay? इन दोनों में फर्क है वो क्या है वो बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे अभी इज नॉट इम्पॉर्ट लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड के फिक्स इनकम को मैंने आपको बता दिया फिक्स इनकम के अंदर द बोरोवर इज ऑब्लिगेटेड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी वट एवर द अग्रीड अमाउंट पीरियड इज राइट और उसको होल्डिंग पीरियड जो उसका जो वंस द वंस द टर्म ऑफ द लोन या बोर्ड वट एवर दबाउन अग्रड अबाउन टर्म्स आर जब जब आपका टेन्य ख़त्म हुआ तो यू हैव टू या उसकी मेच्योरिटी जिसे कहते हैं फिक्स इनकम की मच्योरिटी होती है तो मेच्योरिटी के ऊपर बॉन्ड्स जिस तरह मचोरटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं यानी कि बॉन्ड मच्योर कर जाते हैं तो उस मच्योरटी के ऊपर आपको वो औरिजनल अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो वापस करना है लेकिन एक्विटी इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता ना तो कंपनी ने आपको वो पैसे जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ यू नो के जो आपने अगर मैंने लेट्स वन थाउजेंड डॉलर के शेयर की इन्वेस्टमेंट की किसी कंपनी के अंदर या हंड्रेड डॉलर के मैंने फॉर एग्जांपल एक शेयर खरीदा लेट से को uh, कोला को कंपनी या किसी भी कंपनी के अंदर राइट right? तो उसके अंदर मुझे नाउ कोकोला कंपनी इन्वेस्टर मेम्बर दे आर नॉट ऑलबी गी एवरी पीरियड राइट जो भी मेरा होल्डिंग पीरियड उसके जरूरी नहीं है और वो हो सकता रिकारिंग कैश फ्लो जरूरी नहीं है पे करें और राइट दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एक्विटी एंड फिक्स इनकम फिक्स इनकम एकविटी इवेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट राइट अब इसके अंदर हम बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे लेकिन आई डो वॉन्ट गो स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस बिकॉज अभी हम लोग को और भी चीजें कवर करनी है बट एनीवे वे रिमेंबर कि हम लोग का जो ये चैप्टर का नाम है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस राइट और इसके अंदर हम लोग डिस्कस अभी तो कमिंग बैक टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव राइट मैं आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहा जर मैंने आप लोगों को ये बात बताना शुरू की जिससे ये बात शुरू हुई कि इक्विटी छोटी इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं कमिंग बैक टू आर टॉपिक तो हम लोग बेसिकली uh, क्या करेंगे इस चैप्टर इस के अंदर इस लर्निंग मॉड्यूल के अंदर हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू कैल्कुलेट द प्रेजेंट वैल्यू और फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट राइट बेस्ड ऑन देर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओके डिटेल में बाद में जाएंगे ठीक है ना और दैट्स द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हम लोग राइट उसके अंदर मैं आप लोग दिखाऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ठीक है ना इंस्ट्रूमेंट्स और एज वेल एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेट द इम्प्लाइड बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न ओके इम्प्लाइड स्टॉक एंड रिटर्न ये क्या होता है हम देखेंगे गिवन देअ करंट मार्केट प्राइस ओके यानी कि मैं एक बार रिपीट करता हूं सेकेंड जो रनिंग ऑब्जेक्ट है वो है कि हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इंप्लाइड बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न देयर करंट मार्केट प्राइसेस ठीक है ना ये सेकंड एक, एक और एक और भी चीज हम इस लर्निंग मॉड्यूल के देखेंगे और फिर फाइनली हम जो देखेंगे वो देखेंगे हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई कैश फ्लो एडिटिविटी ये कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे क्या लेट बी राइट डाउन कैश फ्लो एडिटिविटी ओके ये क्या कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ठीक है और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नो नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल ओके नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल क्या होता है राइट right? हम ये देखेंगे और फिर हम देखेंगे ये प्रिंसिपल किस तरह अप्लाई करता है या इंप्लाई हाउ इज हाउ टू कैलकुलेट ओके यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ नो आर्बिट्राज नो आर्बिट्राज जो प्रिंसिपल है इसको यूज करते हुए हम किस तरीके से फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स कर सकते कै, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं राइट एक्सचेंज रेट्स ऑफकोर्स करेंसीज एक्सचेंज रेट्स में हम जा रहे हैं फॉरन एक्सचेंज के अंदर एंड ऑप्शन वैल्यूज राइट ये तीन चीजों की किस तरीके से हम लोग तो बेसिकली लास्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये जो थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ इसके लिए हम ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग ए, कैश फ्लो एडिटिविटी और नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल ये दो जो हैं इनको किस तरह अप्लाई करके हम लोग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स और ऑप्शन वैल्यूज ऑप्शन वैल्यूज बेसिकली ऑप्शन क्या होते हैं हम ये देखेंगे ऑप्शन बेसिकली एक ए, ए, एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि डेरिवेटिव्स का अलग अलग एक एक पूरा टॉपिक है लेकिन यहाँ सा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंसूव एवरीथिंग अच्छा अब बिफोर आई डाइव इन टू दर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसके हम लोग uh, लो को दिखाना है कि फिक्स इनकम फिक्स्ड इनकम एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम किस तरीके से उनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की तो बिफोर वी गोन टू द फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल देर आर सम दे आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा उनमें सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट और फिर इसके बाद वाली स्लाइड में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है ना ये आप लोगों ने बेसिकली ग्रेड एट में सिक्स या ग्रेड ग्रेड सिक्स ग्रेड से लेके एथ ग्रेड में आप लोगों ने कहीं ना कहीं, कहीं ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है ठीक है ना वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन हम थोड़ी सी उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंटेक्टिव से देखेंगे ठीक है ना तो लेट्स फर्स्ट टेक लुक एट सिंपल इंटरेस्ट सो वॉट इज सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ये हम पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली कंप्यूटेड और अच्छा लेट मी एक्चुअली या उट सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑनलींपूर्ड ऑन ऑन द इनिपल यह मैं बेसिकली यहां से रीड कर रहा हूं पहला पॉइंट फिर मैं इसको लैबरेट करूंगा सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली कंप्यूड ऑन द इनिपल राइट एंड नॉट ऑन एनी इंटरेस्ट अर्न बाय द इनिशियल इनिशियल प्रिंसिउंट अच्छा ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेटमी बैकअप बेट तो सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली नॉर्मली जो है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है ठीक है Uh, लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन टिपिकली इट्स अप्लाई टू फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट राइट फिक्स इनकम राइट अब ये क्या होता है अब मैं आपको uh, एक example हम लोग करेंगे तो आप लोग को समझ भी आ जाएगी लेकिन नॉर्मली मैं सबसे पहले आप लोग इन्वेस्टमेंट जब बैंक में करते हैं तो क्या होता है ठीक है आई एम गोइंग टू यूज एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक डिपॉजिट राइट लेट्स से यू हैव हंड्रेड डॉलर ओके आपने जाके आज इट इज कोर्स रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम ओके आपने टीजी टू जीरो पर हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट कर दिए एक बैंक के अंदर एक बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में डाल दी लेट से लेथ से बैंक जो है उसके अंदर ये से आपने दो साल के लिए डाले ठीक है ना दो साल के लिए आपने पैसे डाल दिए बैंक के अंदर ये हंड्रेड डॉलर ठीक है ना एट दिस पॉइंट ओके अब एक साल के बाद और लेथ से ये आपको बैंक जो है ये आपको बैंक ने एग्री किया पांच परसेंट पर ईयर देगा ये पर नाम ओके कुछ भी टर्म कर सकते हैं सो so anyway, तो अब क्या होगा कि ये पीरियड जब गुजर जाएगा, ये जब गुजर जाएगा तो आपको बेसिकली आपको, आपको सबसे है तो ये $100 आपके पास आपके लेकिन एडिशन टू दिसव परसेंट भी तो आपने जो, क्योंकि बैंक को लोन लैंड किया है पैसे, तो बैंक आपको पांच आपको इंटरेस्ट देगा तो वो पांच ऑन दिस हंड्रेड डॉलर डॉलर फाइव राइट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट ईयर ओके ये जो पॉइंट है यह है वन ईयर फ्राम नाव और प्रेजेंट पॉइंट टाइम ओके यानी कि एक साल जब गुजर जाएगा तो आपको बैंक सिर्फ आपको उस बैंक के अंदर सौ डॉलर तो पड़ा हुआ है क्योंकि इनिशियल प्रिंसिपल था लेकिन उसके अलावा आपके बेसिकली फाइव डॉलर आपने इंटरेस्ट भी अर्न किया है ठीक है अब अगेन रिमेंबर सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं ठीक है ना अब क्या होगा अब रिमेंबर मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बोला कि हमने बेसिकली एक साल नहीं दो साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ तो फर्स्ट ईयर के इस पॉइंट पे जाके आपको पहले तो फाइव डॉलर कमा लिया आपने। लेकिन अभी आपका एक एक और और पीरियड पीरियड भी भी तो बाकी बाकी है है ना अभी एक और भी बाकी है। उसके अंदर भी आपने आप आपने वापस ये हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट किए लेकिन क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो रिमेंबर कि ये फाइव डॉलर जो ये जो फाइव डॉलर है दीज फाइव डॉलर विल नॉट बी इन्वेस्टेड ओके ये जो डॉलर हैं लेट मी पॉइंट आउट ये जो पांच डॉलर हैं ये आपने बैंक, अपने अपने बैंक बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में नहीं डालेंगे आप ये पैसे लेंगे आप साइड पे कर देंगे ठीक है ना यू आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो फाइव डॉलर इन्वेस्ट नहीं होंगे यानी कि एम के रिमूव एवरी थिंग बिकॉज यू काफी मैसेज हो रहा है लेट मी मेक द स्लाइड अगेन ये ये ना? Zero, one, two, okay? ये ठीक है जीरो अब पहले यहां पे हमने हंड्रेड डाले ये हंड्रेड दर्स्ट ईयर री इन्वेस्ट किए और वो हंड्रेड डॉलर वापस फाइव परसेंट पे ग्रो करे तो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर हमारे पास वापस ये डॉलर तो हो गए और हमारे पास ये इन हंड्रेड डॉलर दें फाइव परसेंट कमाया तो हमारे पास डॉलर फाइव वापस आ गए ओके तो प्लीज नोट के आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो अपने सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर कमा रहे हैं प्रिंसिपल क्या है ये हंड्रेड डॉलर जो है ओरिजिनल प्रि ओरिजिनल प्रिंसिपल ओके सॉरी ओके ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर आपने ये ओरिजिनल प्रिंसिपल हंड्रेड डॉलर ये आपको वापस साल के इस साल के फर्स्ट साल के एंड में वापस आपने इन्वेस्ट किया और फिर वापस आपने फाइव डॉलर ही कमाए इसी ओरिजिनल इन्वेस्टेड प्रिंसिपल के ऊपर ठीक है दिस इज हैपनिंग ओके इन अदर वर्ड्स यू आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन योर ओरिजिनल प्रिंसिपल सिंपल ठीक है ना एंड मैं ए, एक एक लाइन आगे बोलूंगा जो आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट होगी जब हम सेकेंड सेकंड कॉन्सेप्ट जाएंगे जो नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे है ठीक ना और वो लाइन है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डज नॉट इंटरेस्ट इज नॉट अर्न ऑन इंटरेस्ट ठीक है ना आई राइट इट गेन बिकॉज इट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सिंपल इंटरेस्ट एसआई सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट डज सॉरी डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ओवर होल्डिंग पीरियड ओके ओवर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड ओके क्या होता है अभी हम जब में जाएंगे आप लोग समझ आ जाएगी कि क्या है ठीक है ना ये याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को साथ अगर आप लोग इंडिविजुअली समझ नहीं आना तो जब आप सब जब दोनों को एक बार डिस्कस कर लेंगे ना आप लोगों को क्लैरिटी और बहुत ज्यादा आ जाएगी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट में एग्जैक्टली exactly समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जो भी उनकी मिसिंग लिंक्स हैं वो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा ना आप लोगों को तो आप लोगों को वो कंपैरिजन के थ्रू आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगी ठीक है ना तो ये हो गया ठीक है दिस इज बेसिकली वॉट सिंपल इंटरेस्ट इज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अर्न ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन द इंटरेस्ट इन अदर वर्ड सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट नॉट अर्न इंटरेस्ट ओके आई एम गो रिमूव एवरीथिंग और हम आगे आगे, आगे वर्किंग करते हैं वो हम आप आएंगे इसके ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं ठीक है ना अब ये एग्जाम्पल सिंपल अगेन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आ रहा है कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल जिसके हम कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है वन मिनट प्लीज ओके सो सिंपल इंटरेस्ट की जब बात कर रहे थे तो बेसिकली राइट uh, right, तो लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल ओके लेट्स टेक लुक एट एन एग्जांपल जिधर हम लोग क्या uh, करेंगे कि हम लोग बेसिकली देखेंगे एक इन्वेस्टर है राइट एंड आई नो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द फॉर दिस एग्जांपल के एक इन्वेस्टर है, right? uh, है जो जो इन्वेस्ट करता है हंड्रेड डॉलर राइट फॉर सेवन ईयर टर्म टर्म डिपॉजिट ओके टर्म डिपॉजिट है यानी कि डोंट डोंट गेट टू कॉट अप इन कि वो क्या होता है कैसे होता है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं टाइम लाइन बनाऊ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन राइट ये सेवन आपके सेवन सेवन टाइम पीरियड्स हैं ठीक है ना और टी जी को तो जीरो को मिला के ऑफकोर्स एट हो जाते हैं ठीक है तो एनीवे ओवर दिस सेवन ईयर टाइम पीरियड ये बेसिकली हंड्रेड डॉलर हम कहा इन्वेस्ट पॉइंट पे हमने हंड्रेड डॉलर ओरिजिनल ओपी ओरिजिनल प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया ठीक है इस पॉइंट पे टी जीवल टू जीरो पे और अब हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे ओवर दिस सेवन ईयर टाइम पीरियड ओके सिंपल टाइम दाइन इज वेरी सिंपल ओके अब क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट की अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि सिंपली एक साल जब यह पास हो जाएगा तो वी विल हैव आर ओरिजिनल प्रिंसि हंड्रेड डॉलर और हमें राइट बिकॉज इन द क्वेश्चन ओवर हेयर वी आर टोल्ड दैट दर टर्म डिपॉजिट इज पेइंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फाइव परसेंट ओके यानी एवरी ईयर पांच परसेंट दे रहा है तो फाइव डॉलर हमें इधर मिलेंगे ठीक है फिर हम नेक्स्ट ईयर भी हम हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट करेंगे उस पर यानी कि इस फर्स्ट ईयर से सेकेंड पीरियड तक ये जो पीरियड है इसके ऊपर भी हमारे हंड्रेड डॉलर वापस री इन्वेस्ट होंगे ये फाइव डॉलर री इन्वेस्ट नहीं होंगे ये जो आपने फाइव डॉलर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कमाए हैं ये सेकंड ओवर द सेकंड ईयर पीरियड आपके ये री इन्वेस्ट नहीं हो रहे यानी कि सिर्फ हंड्रेड डॉलर ही वापस री इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके अकाउंट में सिर्फ हंड्रेड डॉलर जा रहे हैं डॉलर आप निकाल रहे हैं यू कैन यू कैन स्पेंड इट और यू कैन डू वट एवर इट इन सेविंग अकाउंट लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप वो फाइव डॉलर नहीं डालेंगे ठीक है ना तो आपने ओवर द नेक्स्ट वन ईयर आपने बेसिकली वापस फाइव डॉलर कमाए फिर वही हुआ थर्ड ईयर में भी आपको ये हंड्रेड डॉलर वापस आपको मिले वापस डॉलर कमाए ठीक है एंड सो फोर्थ ये हर साल ऐसे ही होगा सात साल के लिए आखिरी साल भी आपका ये हंड्रेड डॉलर आपको मिलेंगे और फिर आपको वापस डॉलर फाइव कमाएंगे ठीक है ना तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो मैं तो 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 कैसे करूंगा कैलकुलेशन इसकी ऐसी होगी सॉरी कैलकुलेशन होगी टोटल अगर मैं इसका टोटल टोटल इंटरेस्ट अर्न ओके टी आईई जो मैं लिख रहा हूँ बेसिकली टोटल इंटरेस्ट अर्न ओके तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा टोटल इंटरेस्ट सबसे फॉर्मुला क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट और पीरियोडिक इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओके तो ये हो जाएगा टाइम से मतलब है इयर्स अब मैं इसको प्लग इन करूंगा तो आप लोगों तो को फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना था $100. हर पीरियड में में पूरे सातों के सात साल ओरिजिनल फाइव परसेंट है जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके मल्टीप्लाइड टाइम कितना है टोटल टाइम पीरियड होल्डिंग पीरियड कितना है सेवन ईयर तो इसके अंदर टी में सेवन आ जाएगा ओके सेवन ओके तो इसके अंदर फिर ये जो है इसके क्या आंसर आएगा आपका इसके अंदर इसके अंदर यू विल गेट हंड्रेड मल्टीपल पॉइंट जीरो फाइव मल्टीपाइड सेवन थर्टी फाइव डॉलर ओके आंसर आएगा आपका डॉलर थर्टी फाइव ओके तो टोटल इंटरेस्ट अर्न जो है बेसिकली थर्टी फाइव डॉलर है इट right. अब इसके अंदर एक चीज और हम कैलकुलेट करते हैं वो होगी एवरेज एनुअल इंटरेस्ट ओके ए ए आई जो है बेसिकली एवरेज एनुअल इंटरेस्ट वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल इंटरेस्ट अर्न यानी कि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है राइट right? इसके में वो भी डॉलर थर्टी फाइव ओके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ओके नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि इस केस के अंदर ये टाइम कह लें डिनोमिनेटर के अंदर इधर जो है टाइम हो सकता है ओके टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाई टाइम यानी कि थर्टी फाइव डॉलर डिवाइड टाइम कितना है सेवन ईयर तो अगर हम इसको करें ए ए आई कितना हो जाएगा ए ए आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच फाइव डॉलर ओके इन अदर वर्ड्स ऑन एवरेज जब हम जब सिंपल इंटरेस्ट को यूज करते हैं तो ऑन एवरेज आपने फाइव डॉलर ठीक है ना यू योर एवरी ईयर, लाइक ऑन एवरेज हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क अब हम आ जाते हैं uh, लंबी हो जाएगी इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क ओके इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट को देखा है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे और फिर कंपैरिजन भी नेक्स्ट उस वाली नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे तो आई विल हेल्प यू इन केस सम एनी वन ऑफ यू इज हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग या कोई क्लैरिटी किसी चीज में नहीं आई तो जब मैं आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगा ना तो आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी माइनर डिटेल कुछ चीज समझ नहीं आई है तो यू आर वेलकम टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आस्क मी आई विल पॉसिबल राइट ऑन एनी चैनल जिधर मैं शेयर uh, कर रहा हूँ मोस्टली uh, uh, हम लोग सिर्फ यूट्यूबल वीडियोज को प्रोमोट को वीडियोज को हम लोग uh, पोस्ट करते हैं तो यू गैस इन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलोट ए सैफ राइट So, that's it for now. I will see you guys in the next video.